गुजारिश यह है कि जिस वक्त परवरदिगार आलम ने काबे की तखलीक का हुक्म दिता है उस वेले परवरदिगार कायनात ने जो जर्रात मिट्टी दे संग्रेसे और बाकी मादा मिट्टी जो भी बची है मलकूत को हुक्म दिता है परवरदिगार कायनात कि इको तुसा भूए जमीन उत्ते फैला दो इन जर्रात को इन कंकरिया को जेड़े जेड़े मकाम उत्ते काबे की जो मादा पसमादा मिट्टी है बकिया मिट्टी जो बची हुई मिट्टी है उसका हिक हिक दरा अगर किसी मकाम पे देखता है तो खालिक ने हुए मकाम को अजमत बख्शी और उसने उम्मत के तामीर सुभान अल्लाह और उन हिक जर्रे का इतना एहतराम है कि कोई शख्स जिवे हराम काबा एक बगैर वजू दे नहीं जा सकता ये मस्जिद नहीं जा सकता जिवे हराम काबा का एहतराम वाजिब ऐसा मस्जिद का एहतराम वाजिब तो जो मतलब है कि एक जर्रे के असरात हैं जो काबे का हिस्सा का मस्जिद के किसी हिस्से में मौजूद है तो इतना आके में कुछ जेनी तौर पर तकलीफ पहुंची है वो ये है कि जिस वक्त इमाम मजलूम जीन छोड़ी है उसके बाद सरकार का खून खा के कर बला के मिल गया तो परवरदिगार आलम ने मलकूत को हुक्म दिया कि खून को उठाओ और इनके जर्रात को रूए जमीन पे फैला रहे हो जितना जितना वो खून का कोई कतरा के लिहाज था इमाम बारगाह का और एक काबे के एक जर्रे का नहीं इतना एहतराम है कि उनके अंदर जुत्ती असर नहीं पा सकते तो जितना शो शहीद करबला इमाम मजलूम मजम हसैन के लाल का खून का कोई कतरा इस जमीन पे और तुम्हारे आमल वाले किसी शख्स की जुत्ती खुदा न करता अगर तुम गुजर जाओ तो सरकार का क्या खर्चा लगेगा और क्या खर्चे मरहबा ये सारे अमल का बाकी तो सारा नजम नहीं आती कोई खेल नहीं तू सारे सिर्फ साथ यो हितिया ने सोचा हित तक था शहन शाह इमाम इमाम मजलूम दे इंतकाम की दुआ करे तो के मजलूमीन दा जो मालिक है वो जल्दी तशरीफ के ला और इन मजलूमीन दा शहादा करबला दा 13 साल तक किसी इंतकाम नहीं किया और किसी को अफसोस भी नहीं किया और अजीब गल है कि 1700 साल तक उन लोगों को जो मार वाले हो तक गिरा सके बाबा बात का मुसलमान गिरा सके यहोवा की मेहरबानी है जो नसा को काफिर सके वरना असलों को काफिर रखने वास्ते बाल भी तैयार रहा थे तो गुजारिश यह है कि सारे आमदा और मकसद ये है कि कुछ तो असम तुम्हारे को घिन के जाऊं और वो दौलत नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और उनको बात यह है कि आइंदा मेरे नाल वादा करो इंशाल्लाह।